देख रहे हैं फिटपट न्यूज। साउथ कोरिया कंपनी देवू के द्वारा करीब 27 साल पहले ग्राम रिजदी में पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के एकाएक सीमांकन व खुदाई का मामला गर्माता जा रहा है। जमीन पर गतिरोध कायम है। सोमवार को ग्रामीणों ने यहां एकत्र होकर खुदाई का काम रुकवा दिया। सोमवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा के पदाधिकारियों प्रशांत झा व दीपक साहू के नेतृत्व में किसानों की बैठक हुई। सभी लोगों ने अधिग्रहित भूमि पर जाकर देवू की ओर से प्रशासन द्वारा सीमांकन के लिए कराई जा रही खुदाई को रुकवा दिया। किसानों के विरोध के बाद यहां कार्य कर रहे लोग जेसीबी मशीन लेकर चले गए। लोगों ने एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंप कर पांचवीं अनुसूची पैसा और प्रावधानों का हवाला देते हुए अधिग्रहित जमीन मूल खातेदार किसानों को वापस करने की मांग रखी है। पूर्व गृह मंत्री एवं रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने भी सोमवार दोपहर ग्राम रिजदी पहुंचकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन जमीन पर किए जा रहे सभी तरह के कार्यों को बंद नहीं करेगा तो ग्रामीण आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे और मैं भी उनके साथ रहूंगा। उन्होंने कलेक्टर से स्थिति स्पष्ट करने और उक्त जमीन पर जारी कार्य पर रोक लगाने की मांग रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज।